बालाघाट जिले के समाज सेवी खेल संगठनों के अध्यक्ष और सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक की कथित तौर से 2 लाख गायों को कटवाने और पुलिस कर्मियों की हत्या के झूठे आरोप लगाकर उनसे प्रतिमा 20,000 रुपए की डिमांड करने वाले पूर्व विधायक किशोर समृते को बरवेली पुलिस ने ब्लैकमेलिंग सहित अन्य अपराधों की धाराओं के तहत दर्ज अपराध में भोपाल से गत दिवस गिरफ्तार करने के बाद आज 13 जून को न्यायालय में पेश किया। इस दौरान पूर्व विधायक किशोर समृते के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लगाए गए जमानत याचिका को लेकर सहायक जिला अभियोजना अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय में पक्ष रखा गया कि पूर्व विधायक को होने के साथ ही प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण विवेचना को प्रभावित करने की दृष्टि से उनकी जमानत याचिका को रद्द किए जाने की मांग की, जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगीना मेरावी की अदालत ने पूर्व विधायक किशोरी समृते को जमानत खारिज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पूर्व विधायक किशोर समृते पर समाज सेवी खेल संगठन के अध्यक्ष सर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक, जिला राजपूत क्षत्रिय समाज जिलाध्यक्ष एवं समाज सेवी संजय सिंह कछवाहा ने आयोजित प्रेस वार्ता पर ब्लैकमेलिंग को लेकर किशोर समृते पर गंभीर आरोप लगाए। दूसरी ओर समाज और शांति के लिए खतरा बन चुके पूर्व विधायक किशोर समृते पर रासुका की मांग भी तेज हो गई है। समाज सेवी एवं ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक ने आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक किशोरी समृते को खुला चैलेंज करते हुए गौहत्या और पुलिस कर्मियों की हत्या का जो आरोप लगाए उसे वह सार्वजनिक रूप से सिद्ध करें या फिर जिले से माफी मांगे। श्री पाठक ने कहा कि किशोर समृते न केवल एक बड़ा शातिर अपराधी है बल्कि एक बड़ा ब्लैकमेलर है जिसकी ब्लैकमेलिंग एक नहीं कई मामले हैं। उन्होंने बताया कि जब मेरे द्वारा उसकी मंथली ब्लैकमेलिंग की डिमांड को पूरे करने से मना कर दिया गया तो उसने मेरे खिलाफ असत्य निराधार और बेबुनियाद शिकायतें करना शुरू कर दी, जिसमें 2 लाख गौवत पुलिस कर्मियों की हत्या, मेरे व्यापार को लेकर भारत सरकार से लेकर माइनिंग कारपोरेशन तक की शिकायत की, लेकिन सभी शिकायत जांच के बाद निष्कर्ष में शिकायतें असत्य पाई गई। उन्होंने बताया कि शिकायत के पूर्व किशोर समृते स्वयं मेरे आंवलाझरी निवास पर 20 से 25 बार छोटा भाई बोलकर आता था और जो घंटों बैठने के बाद 10 से 20 लीटर ईंधन की पर्ची और इतने ही नहीं रुपए लेकर जाता था, लेकिन जब वह लांजी मेरे लोगों से सीधे मुझे धमकाने के नाम पर मंथली रुपए देने की मांग करने लगा तब हमने इसकी मंथली ब्लैकमेलिंग की डिमांड पूरी नहीं की तो वह मेरे खिलाफ लगातार शिकायतें करता रहा और जिसके बाद ही रासुका की कार्यवाही करने की और जिसके बाद ही पूर्व विधायक ने इसकी शिकायत की और पूर्व इसके बाद ही इसकी शिकायत की गई। पूर्व विधायक किशोर समृते के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के लिए अधिकारी, व्यापारी और संभ्रांत लोगों के खिलाफ फर्जी शिकायतें करने तथा समाज में अशांति फैलाने के फर्जी मामले उठाने को लेकर अब उसे के खिलाफ राजकोष की मांग तेज होने लगी है। सर्व ब्राह्मण समाज महासचिव अजय मिश्रा, उपाध्यक्ष कुंदन मिश्रा आदि सभी लोगों ने इसकी मांग की है। जो एक घटना बता रहा है ये 93 की है, तब तो मैं बालाघाट कभी आया ही नहीं था, सिवनी कभी गया ही नहीं था, एकदम काल्पनिक इसने डाला ताकि मैं दबाव में आके इसको पैसा देना जो मंथली चाहता है वो चालू कर दूं, जिसके लिए और विस्तार से मैं बताता हूं आगे। बहेला थाने में टिमकी टोला में पुलिस चौकी खुलने वाली थी, नहीं ऐसा इसने समृते को मैं चैलेंज देता हूं, ये ब्लैकमेलर आज इसको पूरा मैं आपके सामने उजागर करता हूं, चैलेंज करता हूं कि तू आ और सिद्ध कर पूरी बालाघाट जिले की जनता के सामने, नहीं पूरे जिले की जनता से माफी मांग कि मैंने गलत आरोप लगाए और सिर्फ पैसे लेने के लिए लगाए। इसने लगाया आरोप कि मैंने उस पुलिस चौकी पे कब्जा कर लिया, मेरे आदमी उस पुलिस चौकी में रह रहे हैं, आप लोगों के संज्ञान में कोई ऐसी बात आई कहीं, कोई पुलिस चौकी पे कब्जा कर सकता है? यह आदमी एकदम काल्पनिक बात लिखता है सिर्फ पैसे लेने के लिए। मुझे पक्की जानकारी है कि यहाँ नगर निरीक्षक रवि भदौरिया हुआ करते थे बालाघाट में, टाउन में, उस समय बालाघाट के एक संभ्रांत उद्योगपति परिवार हैं, उनको इसने चित्रकूट के बदमाश, चित्रकूट वहां का एक नामी गिरामी बदमाश से फोन करवाता था फिरौती के लिए, जिसका कनेक्शन समृते के फोन से मिला था, ऐसी जानकारी उस समय हुई और उसकी जांच भी चल रही थी, लेकिन वो उद्योगपति परिवार बेचारे संभ्रांत परिवार है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, बालाघाट के ही है, उनसे भी धमका चमका के उनको किसी तरह से उसमें इसने अपना जो कराने के लिए बाध्य किया और जैसे तैसे भी किया हो, लेकिन ये एकदम 100% कन्फर्म है, अगर जांच की जाएगी तो पता लगेगा कि कोई चित्रकूट के बदमाश से इसका कनेक्शन था और इसने बाकायदे फोन के माध्यम से उनसे फिरौती की मांग करवाता था डरवा धमका। अधिकारी में इसलिए मामला है क्योंकि मैं कभी न कभी शराब के व्यवसाय से जुड़ा रहा, आज मैं शराब के व्यवसाय से आज की तारीख में नहीं जुड़ा हूं, लेकिन इससे जुड़ाव रहा, कभी जुड़ा रहा कभी नहीं जुड़ा रहा। तो यहां पर एक जिला आबकारी अधिकारी सांगर हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी इसने 300 करोड़ से 500 करोड़ का आरोप लगाया और
सरकारी अधिकारी कर्मचारी जल्दी जोरा घबरा जाते हैं कि फर्जी आरोप लगाए ऊपर नीचे जाएगा उनके। तो पता करिएगा, जो मैंने सुना और जाना उस समय इसने 10,000 रुपए लेकर के और SDM साहब के यहाँ बयान दे दिया कि मैं लेटर पेन मेरे को चुरा लिया होगा, दस्तखत मेरे नहीं है। कितने? 10,000 लेकर यही बालाघाट जिले में ही पैसे लेना है, पैसे वसूलने के लिए ही शिकायतें करना है, सत्य से बहुत दूर। एक बात और कहना चाहता हूं, सबरीते यहां पर कम से कम पिछले 10 साल में 25-30 बार आया होगा, यहीं पर जहां बैठे हो यहीं पर आया होगा। कभी इनकी उपस्थिति में आया, कभी इनकी उपस्थिति में आया, कभी अनिल गुंडानी बैठे हैं उनकी उपस्थिति में आया। ये सब गवाह हैं कि यहां आता था और 2-3 घंटे बैठता था, दुनिया की स्कीमें बताता था, छोटा भाई बन के आता था कि आपका छोटा भाई हूं मैं, और फिर अंत में पैसे पे आ जाता था। अंत में पैसे पे आ जाता था तो मैं भी ये सोच के कि कौन इसके मुंह लगे, यही है 10-20 हजार के लिए 2-3 घंटे बैठता था, 10-20 लीटर डीजल की पर्ची लिखाता था, 10-20 हजार रुपए लेके, ये समझ के वाइट कर देते थे कि इसके मुंह कौन लगे। ऐसा इसने 20-25 बार किया होगा यहीं आके पिछले 10 साल में। 10 साल में इसने मेरे तमाम जो दूसरे लांजी तरफ जो काम करते हैं, कार्य देखने वाले बब्बू सिंह, फूलचंद तिवारी और भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनसे ये समय समय पर धमका चमका के पैसे ले गया, लेकिन वो शिकायत इसलिए नहीं करते थे क्योंकि मैं मना करता था कि इसके मुंह मत लगो, इसके पास तो कोई काम है नहीं, ये तो फर्जी शिकायत करना काम है, 10-20 हजार 4-6 महीने में ले जाता है, ले जाने दो। उनको इसने धमकी दी कि पाठक को समझा दो कि इतने रुपए मंथली तुमको देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो मैं तुम तीनों को गोली मार दूंगा। उनको बाकायदे इसने बयान में बोला, सामने जाके उन्होंने बयान भी दिया है, बयान दिया कि इसने सामने आके मुझको बताया भी था उस समय, लेकिन उस समय मैं रोके था, परसों बाहर से कल आ गए। उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि इस आदमी ने आके बोला कि पाठक को समझाओ कि हमको इतने रुपए मंथली लगेगा, नहीं तो मैं तुमको तीनों को मार दूंगा और पाठक को भी गोली मार दूंगा। मेरा इतिहास उठा के देख लेना, मैंने पूर्व मंत्री दिलीप भटेरे जी को मार दिया था, वो तो किस्मत से बच गए, जिसमें 307 इसके ऊपर लगी है, 3-4 महीने भंडारा जेल में रहा और वो मुकदमा बाकायदे चला, इतिहास में है। इतना ये खतरनाक किस्म का आदमी है, अपने आप को भोला बताने वाला। तो मैं चूंकि ये छोटा भाई बन के आता था, उनकी माताजी मेरी पूज्य माताजी है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके कहे हुए सब वचनों का मैं आदर करता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है उनसे भी कि आखिर इस प्रदेश में, इस देश में, हमारे बालाघाट जिले में जितने लोग व्यापारी समुदाय के लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, छोटा बड़ा मझोला सब व्यापार करते हैं, वो भी किसी ना किसी माँ के लाल हैं, वो भी किसी ना किसी माँ के बेटे हैं, और ये आदमी हर किसी को ब्लैकमेलिंग करता रहा पिछले 20 साल से। ऐसे आदमी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगना चाहिए, जो इतना शातिर और अपराधी हो। ये कहता मैं फक्कड़ हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि माताजी से कि अगर ये फक्कड़ है तो कोई फक्कड़ हेलीकॉप्टर या मुंबई से हीरोइन लेके चुनाव प्रचार कर सकता है क्या? हेलीकॉप्टर में 10 दिन रख के उसको घुमा सकता है क्या? नहीं घुमा सकता। अगर वो लाया तो वहां भी किसी उद्योग धंधे वाले को ब्लैकमेल किया होगा, नहीं लाया तो पैसा कहां से आया? ये जवाब दे समरीते जी, समरीते जी का खर्चा कहां से चलता है? मेरी जानकारी में है 2-2 फ्लैट ये मेंटेन कर रहे हैं भोपाल में, वहां भी कर्मचारी रहते होंगे, ये पजेरो गाड़ी मेंटेन कर रहे थे पहले, जिसको इन्होंने साजिश करके खुद आग लगा दी, कोई नक्सलाइट नहीं जलाने आया था इनकी गाड़ी को, इनका उद्देश्य दूसरा था, पैसे ऐंठना, गार्ड वार्ड मिल जाए तो गार्डों के माध्यम से पहले अपना डेको बनाना और फिर वसूली करना। एकमात्र उद्देश्य तो मैं माता जी को प्रणाम करके उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में व्यापार करने वाले भी। राजेश पाठक जी ने आपको पूरी डिटेल में जो ब्लैकमेलर किशोर समरीते हैं, और ये अब जिले का ब्लैकमेलर नहीं हो गया, ये अपने प्रदेश से होके अब ये राष्ट्रीय नेता बनना चाहता है ब्लैकमेलरों का, इसलिए ये ऐसी चीजें करता है कि इसको मीडिया हाईलाइट मिले।
किसी पे भी कोई भी उलझुल आरोप लगा देना, जैसे इसने एक आरोप हमारे पे लगाया, बकायदा इसके लेटर पेड पे आरोप है, हम लोग हल्ला कर रहे हैं कागज पे कर देता है, लेकिन हम इसका लेटर पेड है। इसने हमारे ऊपर भी उस पेपर में एक आरोप लगाया है जो 14-7 की इसने कंप्लेंट किया है प्रधानमंत्री कार्यालय से पूरा नीचे से ऊपर तक, क्योंकि ये चाहता है कि इसकी प्रतिलिपि से डर जाए, जिसके अगेंस्ट इसने कंप्लेंट किया है वो डर जाए कि मेरे पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और फिर पैसे की इसकी ब्लैकमेलिंग चालू होती है। मेरे अगेंस्ट इसने एक आरोप लगाया है कि MP50T1000 नंबर की गाड़ी जो कलेक्टर कार्यालय में संलग्न है वो मैंने कलेक्टर को गिफ्ट कर दिया है, आरोप लगाया है। ये इसके पूरे पेपर है, आरसी बुक रखी है इसमें, ये मेरी पासबुक है पूरी। इस पासबुक में अप्रैल 2018 से जब ये कलेक्टर साहब थे ही नहीं, जिला शिक्षा मिशन के माध्यम से 22,500 और GST मिला के 25,000 रूपये उसमें किराया आ रहा है, ठीक है। आज भी उस गाड़ी अकाउंट से अकाउंट में आ रहा है। आज भी वर्तमान में उस गाड़ी की जो आरसी बुक है वो मेरे नाम से है, ये आपको अभी कॉपी मिल जाएगी, उसमें अभी भी आप RTO से टेली कर लेंगे तो वो गाड़ी मेरे नाम से है। गाड़ी कहीं किराए से देना कोई जुर्म तो नहीं है, हम व्यापार कर रहे हैं, GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। हम किशोर समृद्धि को चैलेंज करते हैं कि तू हमारा इनकम टैक्स रिटर्न निकाल, हम जितना आयकर भर रहे हैं उसका तू 10% भर दे, हम तो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठते, तू हेलीकॉप्टर में बैठता है। इसने एक आरोप लगा दिया कि ये गाड़ी मैंने कलेक्टर को दिया, गिफ्ट कर दिया। अब कलेक्टर साहब को पता भी नहीं होगा कि ये गाड़ी किसकी रहती है और किराए में कौन दे रहा है, ये काम कलेक्टर साहब का नहीं है। वो तो जो गाड़ी किराए से चल रही है शासन के नियम है उसमें पैसा जा रहा चल रही है। उसके बाद में उसने आरोप लगा दिया कि मैंने एक फॉर्चूनर कार 41 लाख की और गिफ्ट कर दिया, उस गाड़ी का कोई नंबर नहीं, उस गाड़ी को किसके नाम से गिफ्ट किए ये नहीं पता। आरोप लगा दिया कि रेत माफिया और शराब माफिया, हम लोग शासन प्रशासन इनकम टैक्स और जहां जहां इसने भेजा है लोकायुक्त आयकर आयुक्त और GST सब जगह, हम ये पूछना चाहते हैं कि शासन को जो टैक्स दे रहे हैं वो माफिया और सरगना है कि ये जो ब्लैकमेलर है ये माफिया है। यदि किसी इनकम टैक्स देने वालों को माफिया शब्द लिख रहा है तो ये हमारी बहुत बड़ी मानहानि है भाई, हम टैक्स दे रहे हैं, सब काम कानूनन कर रहे हैं, मानहानि का भी केस करेंगे इसके। हम शराब और रेत का व्यवसाय कोई चोरी का अवैध सट्टे का काम नहीं कर रहे हैं। हमको SP कलेक्टर और पूरा मध्य प्रदेश शासन बैठ के नीलाम करता है वो घाट लेते हैं, उसकी बकायदा हम रॉयल्टी देते हैं। लोग बताएंगे नदी खोद लिए, अरे भैया नदी खोदना शासन पैसा ले रही है 40 करोड़ रुपए तो नदी ले रहे, लेकिन इनको जब तक आप पैसे ना दो। और किशोर समृद्धि का एक बड़ा है कि सबसे टॉप पे कंप्लेंट करो, कलेक्टर की कंप्लेंट कर दो, जिससे RI पटवारी को चमका दो कि देख तेरे बॉस को नहीं छोड़ा तू कहां लगता है। मैंने एक पूरा बंच है इनका, अभी हमने जब ये हमारे बांटे गए तो हमने निकाले, ये इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है भारतीय, काफी देंगे 307 से लेके 376 से लेके SDM को मार, ये हमने कागज नहीं बनाए, इनने तो हवा में बना दिया। हमने बकायदा पुलिस डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड कॉपी लिए है कि इनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं। SDM को मारने का केस में इनको सजा हो गई है, हाईकोर्ट से इनके अगेंस्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट से इनके अगेंस्ट विपरीत टिप्पणी हो गई, सुप्रीम कोर्ट से इनको बैन लगाया, उसके बाद ये ब्लेम करते हैं कि आपने गिफ्ट दे दिया। मेरा ये कहना है एक पूरा बंच है बालाघाट के उद्योगपतियों का कंप्लेंट का इतना मोटा, सबूत के साथ FIR करा दो। आप केवल उस पीड़ित को चमका के उससे पैसे लेने की मंशा क्यों रख रहे हो? आप अधिकारी की कंप्लेंट कर रहे हो कि किसी के नाम से कहीं 2 करोड़ आ गया, सरकारी पैसा नगद में लेन देन होता है क्या? अंबानी के साथ में घूमने वाला आदमी, पूरे कोरोना काल में इसको बालाघाट की अव्यवस्था नहीं दिखी, अब जैसे ही कोरोना गया ऐसे ब्लैकमेलर सब अपने बिल के बाहर से बाहर आ गए और उन लोगों को डिस्टर्ब करें। व्यापार करना कोई चोर है क्या? मैं पूरे व्यापारी संघ से, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रशासन से डिमांड करूंगा कि जो लीगल व्यापार करने वालों को, लोगों को ऐसे ब्लैकमेलर यदि कर रहे हैं उनको यदि प्रशासन नहीं संरक्षण देगा तो कौन देगा? आज हम पे यदि ये कॉन्टेक्ट कर रहा है तो कौन? अब सर आपका ओपन टेंडर होता है, आप लोग को मालूम है अब सब ऑनलाइन टेंडर होते हैं, कोई किसी को धमका चमका के टेंडर नहीं ले सकता। समृद्धि के पूरे देश के लोगों को ला ले और बालाघाट का टेंडर दिला ले, रेत का टेंडर। इसने एक आरोप लगाया है कि टेंडर 200 करोड़ में जा सकता था लेकिन राजेश पाठक और उसके साथियों ने वो टेंडर नहीं होने दिया, हमने पूरे देश के कंप्यूटरों को हैक कर दिए कि कोई भी बिड ना डाल पाए, इतने पावरफुल हो गए हम, ठीक है, बेसिर पर के आरोप। शराब में लाएगा नहीं, हर टेंडर होने के बाद में, कोरोना जाने के बाद जैसे प्रकट हुआ है वैसे टेंडर आने के बाद प्रकट होता है, जैसे ही टेंडर होगा खबरें आ जाएगी, अब कितना मेरे को दे रहे हो, तू कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है, क्या है तू? सेंट्रल विधायक है
जो भाजपा सरकार और भटेरे जी की गलती डेथ के बाद में तेरे को अंदर कर दिया और तेरी माँ ने और बहन ने रोके तेरे लिए वोट मांग लिया, तू जीत गया 11 महीने की। और आज लांजी की परिस्थितियों के कारण तेरी मदर जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष बन गई। तू जननेता नहीं है, तू ब्लैकमेलर है और तू सबको टारगेट बना रहा है कि डर जाओ। हमारा भी ये कहना है कि कब तक डरेंगे। हमको ये था कि ये चलो इसने डाल दिया है, सब जांच हो गई, क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसके बाद में वो स्वराज एक पेपर चालू हो गया, उसमें अब पूरे प्रदेश से लोगों के फोन आ रही है तुम्हारे बारे में क्या छाप रहा है, ये कलेक्टरों के अभी किसी को नहीं छोड़ रहा है। और जो भी प्रभाव में रहेगा, चाहे नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव से चालू कर दो, रमेश भटेरे जी चालू कर दो, गौरी शंकर बिसेन, प्रदीप जायसवाल जी, अब नानू कावरे, सबके टेबल के नीचे ये बैठा रहता है कि बीडी शर्मा ने नानू कावरे से 7 करोड़ ले लिया और 20 करोड़ रुपए अमित शाह और मोदी को दे दिया। पहले राहुल गांधी ने लड़की का अपहरण करा लिया था, अब मोदी और अमित शाह ने 20 करोड़ रुपए बालाघाट से ले लिए। मतलब कुल मिला के मीडिया में हाईलाइट होना है और सब करना है। इसने एक आरोप यह भी लगाया कि 956 करोड़ रुपया मैंने बांट दिया। 956 करोड़ की गिनती यही कर रहा था क्या बैठ के? थोड़ा मोड़ा नहीं, 956 करोड़ बांट दिया मैंने। हम लोग शासकीय कार्य करते हैं, अभी इनने वर्तमान में निराधार असत्य आरोप लगाता है। एक अधिकारी को टारगेट करके रखा है, बालाघाट कलेक्टर को। कोरोना काल में सबने, हम किसी का वो नहीं, वो अधिकारी आज चले जाएंगे, हमारा कोई नहीं है। लेकिन लांजी नगर पंचायत की जैसे ही जांच चालू हुई तो कलेक्टर गलत हो गया, इनने पैसे देना बंद कर दिए तो ये गलत हो गए, हम इनके साथ बैठे हैं तो हम गलत हो गए। तुम सर्टिफिकेट बांटने वाले होते कौन हो? क्या तुमको शासन ने ऑथराइज किया? आपको गार्ड दिए नक्सलाइट की सुरक्षा के लिए, नक्सलाइट से आपको सुरक्षा हो। आप जब आपका बयान है कि 3:30 बजे रात में मैं बुंडुल कसा गया था, उस समय आपके साथ के गार्ड कहां थे? आपकी गाड़ी को बहुत प्रेम से नक्सलवादियों ने जला दिया, आपको सम्मान उतार दिया, आपने गाड़ी जल गई, आप पैदल चल के आ गए, आपने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बालाघाट से 5 लाख का 2006 के मॉडल पे क्लेम भी ले लिया और कंज्यूमर फोरम में केस भी डाल दिया मैनेजर के अगेंस्ट कि तू 5 लाख और नहीं देगा तो तेरे को निपटा दूंगा। तो मेरा पूरे जिले के लोगों से यही है कि या तो चुप होके इसकी ब्लैकमेलिंग से हो, या सब लोग, बालाघाट जिले का एक इतिहास रहा है कि जब जब ऐसी महामारियां फैली है, मैं इसको भी महामारी बोलूंगा, ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, कोरोना आएगा चले जाएगा, ये आपको पूरे समय झेलना पड़ेगा, इनको भी हमको मिलकर निपटना पड़ेगा। अभी आप पता कर लो यहाँ के कितने सिंधी समाज के व्यापारी या जैन समाज के व्यापारी जो डर के मारे बैठे हैं, जो 10-20 हजार दे देते हैं, उन्हें कंप्लेन नहीं करते। अभी इसको मालूम है, अभी इसकी झूठी शिकायतों का दौर चालू होगा हमारे आगे कि ये कर दिए, लेकिन हमको इसलिए टेंशन नहीं कि इसने अति कर चुका था। प्रधानमंत्री कार्यालय से हमको कागज आया जांच के लिए, अधिकारियों का यह हालत है कि इसके कागज ऐसे कचरे के डब्बे में फेंकते हैं क्योंकि मालूम है कोई बेच ही नहीं रहता। 2 लाख गाय कट गई, कोई सबूत नहीं। 1993 में नमे आ रहे हैं और समरीते को 2020 में ध्यान आ रहा है। अभी सोया था कि 27 साल पहले 2 मर्डर हुए थे, उसकी जांच अब चालू की जाए। सोया नहीं था, 10-15 साल से 10-15 हजार 2-4 महीने में ले जाते थे। अधीक्षक थे उस समय, आप भी जानते हो कि कोई चौकी नहीं बनने देंगे, पॉसिबल था? पुलिस की चौकी से किसी को क्या लेना देना है? इनको उद्योगपति किस बात के लिए हेलीकॉप्टर देते हैं? जांच की मांग अपन करते हैं, जो हम वही प्रशासन से मांग कर रहे हैं। आय का स्रोत क्या है, इसकी भी जांच की मांग। और यदि ये बोलते हैं, इनके यहाँ से वीडियो जारी हो रहे हैं कि समृद्धि जी बहुत ही निर्दोष आदमी है, तो ये धाराएं हमने लगाए? ये 307, 376 ये कौन लोग हैं? ये कहां से धाराएं बन गई? ये भी 15 साल पुरानी धाराएं हैं, लगातार धाराएं बन रही है। हम तो तब प्रकट में आए जब हमको लग रहा है कि अब व्यापार करना मुश्किल कर दिया है। हम रोज अधिकारियों को स्पष्टीकरण नहीं देते फिरे कि आज इसका लेटर पेड आ गया तो अब जाके बताओ। हम तो बोल रहे हैं कि समृद्धि बोलता है कि 200 करोड़ में बालाघाट जिले का रेत खदान जाना था, खुला चैलेंज है, वो 100 करोड़ में किसी को ला दे, हम उसको हैंड ओवर कर देते आधे में और उसमें भी बाकी पैसे शासन या समाज के लिए लगा देते हैं। मेरा कहना है कि उलझलूल आरोप लगाने से सेंस क्या है? कोई बेस तो हो, किसी को मार दिए भाई। ये जो पूरा है तुरकर भवन अवैध बना है, मैंने अभी पढ़ा पूरा, तुरकर भवन अवैध बना है, बंटी जैन ने लाल बैहर में अलग कंप्लेंट बना लिया है, तो ये जब कंप्लेंट होके तुम शांत क्यों हो गए? इस कंप्लेंट को तुम्हारे पास यदि पूरे सबूत है तो अंजाम तक पहुंचो, यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है तो। यदि तुम जन नेता हो तो जनता की बात करो, 10-20 हजार लेके जनता का भला हो जाता है क्या? तो कुल मिला के यही चीजें हो रही है कि लगातार, और बुरा उसको लगता है जिसने करा है, उसको बुरा नहीं लग रहा है। जिसको जबरदस्ती के आरोप में स्पष्टीकरण, उसने आरोप फेंक दिया, वहां से जांच आ गई, आप लिखते बैठो,
आप बताते रहो कि नहीं ऐसे थे ऐसा है, हमको अपनी पासबुक लेके घूमना पड़ेगा आप लोग के सामने कि भैया इसमें देख लो। अब बैंक में जिला शिक्षा मिशन से हम आरटीजीएस करा लेंगे क्या? मतलब एक सेंस की बात देखो, हम बोल रहे हैं कि हमने किराए पे लगाया उसका हमारे पास सबूत है, तुम्हारे पास जो जो आरोप है उसके सबूत बताओ। यदि मैंने ये मेरे अगेंस्ट उसका आरोप है, आठ डंपर वाली बात है, आठ डंपर कलेक्टर के भाई को मोहित आर्य को इन्होंने दे दिया, कौन मोहित आर्य पता ही नहीं है, आपने आरोप लगा दिया। कुल मिला के ये प्रेशर पॉलिटिक्स थी हमको जो समझ में आई कि जैसे ही नगर पंचायत लांजी की जांच चालू हुई उन्होंने कलेक्टर को टारगेट किया। अभी तक एसपी साहब उसकी नजरों में बहुत अच्छे थे, जैसे ही आवेदन हमारे गए एसपी को बदलो, एसपी को क्यों झेल रहे हो, ये चालू हो गया। भोपाल में हम लोग गए, हमने जब मांग किया कि भाई इनको गार्ड मिले हुए नक्सलाइट की सुरक्षा के लिए, ये पूरे देश में घूम रहे गार्ड लेके, तो इनको पूरे देश में नागपुर में नक्सलाइट पहुंच जाते हैं, भोपाल में नक्सलाइट पहुंच जाते हैं, ये नक्सलाइट के गार्ड क्यों दिए गए? तो अब कुल मिला के ये है कि शिकायत करो, अभी आपको कई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेगा कि इनने ऐसा बोले तो गलत है वलत है, भाई तू सबूत के साथ बात करना। हम एसपी कलेक्टर हमारे अगेंस्ट एफआईआर हो जाए, हमने यदि गुनाह किया तो हमारे अगेंस्ट कर दो एफआईआर, लेकिन हम आरोप ही हेलते रहे जबरदस्ती में, ये थोड़ी ना चलेगा। आर9 भारत के लिए भास्कर भारद्वाज की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश बालाघाट।